ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं YouTube का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे कि मार्केट ने आज किस तरह परफॉर्म किया है और मार्केट में यानी कि नेक्स्ट मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है और एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट शेयर करनी है आपके साथ, जिसमें आपको बताने ये मकसद होगा कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो मुसलसल तेजी की तरफ यानी कि मूव कर रहे हैं और अपसाइड की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर पंटर्स एंड इंस्टीट्यूशन एक्टिव हो चुके हैं और उनके रेट्स में देखा जाए तो साइलेंटली उनके रेट में चेंजेस आना शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले आज बात करें कि कल देखें काफ़ी अच्छा पैकेज अनाउंस हुआ था जेनिवा की तरफ से। अगर देखा जाए तो जो फ्लड के हवाले से जो मामला जो फ्लड मुतासरीन थे उनके लिए 10 अरब का पैकेज एक तरफ से अनाउंस किया गया, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा और पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इस वक्त जो मुतासरीन है वो इस तरह की इमदाद देख रहे हैं। पाकिस्तान भी इस तरह की इमदाद ही देख रहे हैं क्योंकि रिजर्व में कमी है और इस तरह की चीज़ें। फिर IMF के साथ मामला भी थे, यानी कि IMF की तरफ से भी अब डायलॉग स्टार्ट हो चुके हैं और जो IMF की कंडीशंस है उनको फॉलो करना है। इसके साथ ही सऊदी अरब की तरफ से भी कुछ यकीन दहानी कराई गई है, तो जिसकी वजह से आज मार्केट का मोमेंटम बनता था कि आज मार्केट में तेज़ी बनती थी और आज मार्केट में रिकवरी बनती थी। कल आपको याद होगा कि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर हमने आपको बताया था कि मार्केट आपकी यानी कि 94% ओवरसोल्ड हो चुकी है, मार्केट में अगर कोई गिरावट होती है तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी होगी, अदरवाइज मार्केट में तेज़ी का मोमेंटम है। आज स्टार्टिंग ही 325 पॉइंट से मार्केट का आगाज हुआ और मार्केट सारा दिन ही पॉजिटिव परफॉर्म करती रही। एक टाइम में मार्केट थोड़ा सा डिप पर भी आई 130 पॉइंट प्लस तक और इसके बाद फाइनली हमने देखा कि 296 पॉइंट प्लस के साथ 40,801 के करीब मार्केट क्लोज हुई। 40,986 का मार्केट ने हाई टेस्ट भी किया। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 214 मिलियन का इजाफा हुआ यानी आज के दिन वॉल्यूम्स हुए और जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे, कल 163 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप वॉल्यूम लीडर एंड टॉप गेनर से, टॉप वॉल्यूम लीडर में CNRG, यूनिटी, पाकिस्तान रिफाइनरी, TPLP ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। अगर टॉप गेनर्स में देखें तो कॉलगेट, बोनेरो टेक्सटाइल और ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो रिफाइन में रिलायंस कॉटन ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की, तो सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो आज के दिन जो टॉप पे परफॉर्म करता रहा सीमेंट सेक्टर 79 पॉइंट के साथ पॉजिटिव रहा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल कोल प्राइस में डिक्लाइन हो रहा है और उसके पॉजिटिव सम्राट यानी कि मार्केट पे आना जरूरी थी। स्टॉक्स ओवरसोल्ड थे इसलिए इनमें पुल बैक देखा गया। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स 50 पॉइंट प्लस के साथ, कमर्शियल बैंक, ऑटोमोबाइल, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, इन्वेस्टमेंट बैंक, केमिकल, ताकि मैं तमाम सेक्टर्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहा और छोटे मिसलीडस स्टॉक्स भी आपके परफॉर्म करते रहे। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो काफी दिनों से जो OGDC PPL में मुसलसल इजाफा हो रहा था, आज हमने इनमें प्रॉफिट टेकिंग दिखी जिसकी वजह से 11 पॉइंट नेगेटिव, जबकि 9 पॉइंट ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के, लेदर एंड कंपनी के, पेपर एंड बोर्ड और मिसलिनियस के स्लाइटली पॉइंट्स में हमने कमी देखी। अगर कंपनीज वाइज देखें तो लकी टॉप पे रहा, सिस्टम टॉप पे रहा, एंग्रो टॉप पे रहा, मिलर ट्रैक्टर, UBL, चिराग ये टॉप पे रहे। अगर हम डिक्लाइन पे देखें तो बैंक LIB, FFC, PPL, SNGP ये इनमें हमने आज गिरावट देखी। अगर हम न्यूज़ के ऊपर एक नज़र डालें तो देखिए कल से ही जैसे जो जेनिवा की जो मीटिंग स्टार्ट हुई थी मामला स्टार्ट हो चुके थे। सबसे पहले जो गुड न्यूज़ ये आई कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जो बताया गया कि यानी इन्वेस्टमेंट में इजाफा किया जा रहा है सऊदी और 10 बिलियन तक का इजाफा किया जाएगा। मुख्तलिफ चैनल्स पे इस तरह की न्यूज़ भी चलती रही कि पाकिस्तान के मरकजी बैंक में सऊदी अरब डिपॉजिट करेगा, 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर गौर की हिदायत की गई है। इसके अलावा यानी कि देखा जाए तो इसके अलावा भी काफ़ी गुड न्यूज़ थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि एक और चीज़ भी थी कि एक्सपोर्टर को उम्मीद है कि पाकिस्तान विल गेट यानी $2 बिलियन ऑर्डर फ्रॉम लार्ज जो एग्जीबिशन हो रही है इस वक्त, वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्जीबिशन हो रही है टेक्सटाइल प्रोडक्ट के हवाले से, तो उसमें 2 बिलियन के एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अगर ये मिल जाते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। इंडिया जो है वो बीट कर चुका है जापान को यानी कि वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मेकर्स में। हम देखा जाए तो बदकिस्मती से अपनी लड़ाइयों में पूरे और इंडिया ने जापान को भी क्रॉस कर दिया। इसके साथ ही सऊदी की तरफ से भी गुड न्यूज़ थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सऊदी वली अहद का जो है पाकिस्तान में सरमाएकारी का जायज़ा लेने की हिदायत की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें
तो इसके अलावा भी आज जो कल हमने आपको बताया था कि रशिया की तरफ से दो जहाज वीट के पाकिस्तान में आए हैं, तो उसके हवाले से देखा जाए तो आज शाहजीत मेमन ने भी कहा है कि आज से मार्केट में आटा जो है 95 फी किलो के हिसाब से दस्तियाब होगा, और सिंध वाहिद सूबा है जहाँ गरीबों को 65 रुपये फी किलो का आटे के हिसाब से यानी कि दस्तियाब हो रहा है। अच्छा, इसके साथ ही देखें तो अमेरिका के पाकिस्तान के लिए मजीद 100 मिलियन डॉलर की इमदाद का इजाफी ऐलान किया गया है। मुसद्दिक मलिक की तरफ से बताया गया कि जो सऊदी अरब की तरफ दौरा है और इसमें पेट्रोलियम के दो यानी कि वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम दौरे के दौरान सऊदी हुकाम से अहम मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनिंग के क्याम के हवाले से इसमें उमूर पर बातचीत होगी। जो आप देख रहे थे इतने दिनों से रिफाइनरी के अंदर तेजी, उसमें मामलात में पेशरफ तो हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा स्टील प्राइस और रेबर में कुछ 5,000 टन का इजाफा हुआ है, तो और ये भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 75 डॉलर के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल आपका 76 से अबव कल हाई लेवल टेस्ट किया था, 76-70 डॉलर का लेवल टेस्ट किया था और फिर शॉर्ट प्रॉफिटिंग रही थी। इस वक्त क्रूड ऑयल की पोजीशन देखें तो क्रूड ऑयल अब भी आपका यानी पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ है। 72 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज 76 से लेकर 78 तक जा सकता है। डॉलर इंडेक्स में आज गिरावट हुई है और लेकिन अगर हम आज के दिन के हिसाब से देखें तो 27 सेंट का इजाफा हुआ है, लेकिन कल के हिसाब से गिरावट हुई है। उसी हिसाब से अगर आप देखें तो करेंसीज में स्लाइटली इजाफा हुआ और गोल्ड सिल्वर में भी इस वक्त देखा जाए तो गोल्ड आपका ट्रेड कर रहा है 1879 डॉलर के पास ट्रेड कर रहे हैं और सिल्वर जो है इस वक्त 23.67 डॉलर के पास है। अच्छा, गोल्ड में अगर हम सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर आपका ओवरबोर्ड हो चुका है, 23 डॉलर से लेकर 22.80 डॉलर तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड भी आपका ओवरबोर्ड की साइड पे परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा हायर पे जाके इसमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है, जबकि डॉलर इंडेक्स में देखें तो डॉलर इंडेक्स अब भी आपका डिक्लाइन की तरफ है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर 41,050 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 40,550 ये हमारा यानी सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स कल तक आपका ओवरसोल्ड था, आज 111 पॉइंट ओवरबोट है वीकली बेसिस के हिसाब से, और अगर हम साल के हिसाब से देखें तो कल 2500 पॉइंट से ज्यादा ओवरबोट थी, ओवरसोल्ड थी मार्केट, जिसमें से आज कुछ रिकवरी हुई है 2165 पॉइंट, अब भी मार्केट आपकी ओवरसोल्ड की साइड पे यानी परफॉर्म कर रही है। अच्छा, टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम मार्केट की बात करें तो टेक्निकल शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो आज मार्केट ने तेजी का ट्रेंड यानी कि जो मार्केट ब्रेक कर चुकी थी, इसी वजह से आज हमने मार्केट के अंदर एक पुल बैक देखा था हायर साइड से, और फिर मार्केट उसको करेक्ट करती रही और सारा दिन मार्केट एक रेंज में रही। इस वक्त अगर आप पोजिशन देखें तो मार्केट देखे इस वक्त जो मार्केट स्लाइटली ओवरबोट है, यानी मार्केट कल अगर थोड़ा हायर पे जाती है तो मार्केट इसी रेंज में रहेगी, लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। क्यों? कि मार्केट ने 40,600-40,400 के लेवल को सस्टेन कर लिया। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास पोटेंशियल है 41,000 से लेकर 42,000 तक अपकमिंग डेज में मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। स्टार्टिंग कल 10 बजे तक अगर मार्केट सुबह के टाइम 40,900 का लेवल मेंटेन कर जाती है तो 41,000 से लेकर 41,400 के पास ट्रेड करेगी अपसाइड की तरफ। मार्केट अगर 40,600 से बिलो क्लोज होती है स्टार्टिंग में सुबह 10 बजे तक तो फिर हम मार्केट में गिरावट देखेंगे, लेकिन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट में मोमेंटम जो है पॉजिटिव है। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो आज मार्केट में चूंकि अगर देखा जाए तो मार्केट गैप ओपनिंग से हुई थी 300 पॉइंट और फिर मार्केट ने एक हाई लिया और फिर मार्केट एक क्लोज रही तकरीबन 296 पॉइंट प्लस के साथ, पॉजिटिव कैंडल तो क्लोज नहीं हुई क्योंकि गैप ओपनिंग थी। लेकिन कल के दिन भी काफी इंपॉर्टेंट डे होगा, कल मार्केट अगर 41,000 का लेवल मेंटेन कर जाती है तो इंशाल्लाह डे के चार्ट के ऊपर हम देखेंगे मार्केट 41,500 से लेकर 42,000 की तरफ मूव करेगी, अदरवाइज मार्केट के पास जो सपोर्ट लेवल है 40,500 और 40,000 सपोर्ट लेवल है। मार्केट स्लोली ग्रेजुअली अगर देखा जाए तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो चुकी है। कल की एक और इंपॉर्टेंट क्लोजिंग मार्केट को लॉन्ग ग्राफ के ऊपर भी यानी तेजी के ट्रेंड की तरफ मूव करते हुए नजर आएगी। दो वीक लास्ट जो 2 वीक से मार्केट मुसलसल तेजी कर रही थी, इस वीक में मार्केट ने स्टार्टिंग में 2 दिन में अपने आपको करेक्ट किया था, लेकिन आज के दिन जैसे मार्केट ने थोड़ा बेहतर किया, इंशाल्लाह आने वाले वीक में हम देखेंगे मार्केट की ये वीक भी आपका काफी बेहतर रहेगा और अच्छा रहेगा। अच्छा, हम बात करते हैं अब यानी कि स्टॉक लिस्ट के हवाले से। देखिए, ये वो स्टॉक्स हैं जो आपके पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ हैं यानी कि हायर साइड पर है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ATRL 129 रुपए के लेवल पे था और हमने स्पेशल ग्रुप में कॉल दी थी कि ये 93% ओवरसोल्ड है और ये तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ चुका है और ये तेजी करेगा। हमने देखा 173 का हाई लगा और तकरीबन देखा जाए 125 से 129 अगर आप कहें तो 40 रुपए की तेजी हुई है, 43 रुपीज की तेजी हुई है।
इसी तरीके से अगर देखा जाए तो नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, ATRL तो है ही तेजी के ट्रेंड के ऊपर। ये वो स्टॉक्स हैं जो तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ चुके हैं। अगर इनमें थोड़ी गिरावट होती है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहे और इनमें आपको अच्छे मार्जिन, अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में इनके बारे में हाईलाइट किया जा रहा होता है, जब इनकी बाय कॉल बन रही होती है तो इनकी इनकी कॉल दी जाती है, हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी जाती है और बताया जाता है। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट भी होंगे जो कि आज भी हमने कॉल दी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट अचीव हुए। मेरे टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और स्पेशल ग्रुप में इस यूनिक सर्विस से यानी आप भी अवेल कर सकते हैं। मुनीर खानानी में जिनके अकाउंट है मोहम्मद दानिश को कॉल करके अपना यानी कि स्पेशल ग्रुप में अपना आपको ऐड करवा सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरा मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज़।